Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले सिविल राइट्स हीरो को भारत का नागरिक ना होते हुए भी भारत रत्न से सम्मानित क्यों किया गया, आइए देखते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में 1918 में थेम्बू ट्राइबल चीफ के घर पैदा हुए। उनका असली नाम होली श्लाश्ला मंडेला था, लेकिन स्कूल में टीचर ने उनका नाम नेल्सन रख दिया। 1940 में यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हारे में पढ़ते हुए उन्होंने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन की, जो उनके राजनीतिक सफर का पहला अनुभव था। वहां नेल्सन ने बोर्डिंग हाउस में परोसे जाने वाले खाने के स्तर और स्टूडेंट काउंसिल में ब्लैक मेंबर्स की कमी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मंडेला उसूलों वाले थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ना बेहतर समझा। तभी से उनमें एक सशक्त नेता की छवि दिखने लगी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपार्थीड के खिलाफ लड़ने के लिए वो 1941 में घर से भागकर जोहानसबर्ग आ गए। वहां उन्होंने नाइट वॉचमैन की नौकरी की और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका में एडमिशन लिया। वो चाहते तो सुविधाओं से भरी जिंदगी चुनकर एक सुखी जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता चुना और अपने देश को अपार्थीड लॉ से छुटकारा दिलाने की राह पर निकल पड़े। मंडेला को पता था कि कोई भी ठोस बदलाव लाने के लिए उन्हें राजनीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए 1944 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ज्वाइन की, जो ब्लैक्स की इक्वालिटी के लिए संघर्ष कर रही थी। थोड़े ही समय में मंडेला ANC का एक अहम हिस्सा बन गए और फिर वाल्टर सिसुलू के साथ मिलकर उन्होंने नौजवानों को इस लड़ाई से जोड़ने के लिए ANC के यूथ विंग की स्थापना की, जिसके वो लीडर भी बने। उन्होंने गांधी जी के उसूलों से प्रेरित होकर पूरे देश में लोगों को अपार्थीड के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर 1960 में शार्पविल में पास लॉ नाम के एक रेसिस्ट लॉ का विरोध कर रहे 69 प्रोटेस्टर्स की पुलिस ने हत्या कर दी। तब मंडेला ने ANC के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उमगोंटो वी सीज़वे यानी स्पीयर ऑफ द नेशन नाम की एक सीक्रेट सेना बनाई, जो सरकार के हिंसक अत्याचारों से अपने लोगों की सुरक्षा करती थी। मंडेला को ये भी पता था कि ये कदम उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा, और वही हुआ। 1962 में वो फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और इस बार 27 सालों तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। मंडेला भी गांधी जी की तरह अपने देश के दबे हुए लोगों को एकजुट कर नॉन वायलेंट तरीके से अत्याचार से आजादी दिलाना चाहते थे। वो जेल से भी लोगों को यूनाइट करते रहे और उनका संघर्ष जारी रहा। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने मंडेला और उनके आंदोलन को पहचाना और उन्हें जेल से निकालने और अपार्थीड खत्म करने के लिए आवाजें बुलंद होती गईं। आखिरकार 1990 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति F.W. डी क्लर्क ने मंडेला को जेल से रिहा किया और दोनों ने साथ काम करते हुए अपार्थीड लॉ को खत्म किया। गांधी जी के विचारों से प्रेरित अपार्थीड के खिलाफ इस संघर्ष के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और वो इस पुरस्कार को पाने वाले तीसरे फॉरेनर बने। 1993 में मंडेला और क्लर्क दोनों को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया और 1994 में जब साउथ अफ्रीका में सभी रंग के लोगों को इलेक्शन में वोट डालने की अनुमति मिली तो उन्होंने मंडेला को देश का राष्ट्रपति चुनकर उनको धन्यवाद दिया। मंडेला का कहना था, एज वी लेट आवर ओन लाइट शाइन वी अनकॉन्शियसली गिव अदर पीपल द परमिशन टू डू द सेम।